दूरदर्शी। वस्तु अनंत पर, तो यहां से प्रकाश की किरणें चलेंगी यहाँ पे। इसका क्या बनेगा प्रतिबिंब, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, एफ नॉट बटे एफ ई। ये क्या है एफ नॉट, ये है एफ ई। और नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई वो हो जाएगी एफ नॉट माइनस एफ ई। इसके नलिका की लंबाई माइनस इसलिए है क्योंकि ये लेंस कैसा है अवतल, और अवतल की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक, तो एफ नॉट माइनस क्या हो जाएगा एफ ई। वैसे क्या होता था प्लस एफ ई, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये है गैलीलियो का दूरदर्शी। तो न्यूटन ने क्या किया था, अपने दूरदर्शी में केवल दर्पण लिया था, एक समतल दर्पण और दो अवतल दर्पण। उसने इसीलिए इसका नाम क्या रखा था परावर्ती, क्योंकि इसके दर्पण में क्या होता है परावर्तन, तो इसलिए इसके दूरदर्शी को क्या बोलते हैं परावर्ती दूरदर्शी। तो उसने केवल दर्पण से ही दूरदर्शी बना दिया था, और इसका दूरदर्शी इनकी तुलना में ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि इसमें गोली विपथन और वर्ण विपथन नहीं होता, मतलब एक वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए न्यूटन का दूरदर्शी ज़्यादा बेस्ट है। अन्य की तुलना में अच्छा होता है क्योंकि इसमें वर्ण विपथन नहीं होता है विपथन। दूसरा पॉइंट लिखना, आकाशीय दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब में वर्ण विपथन व गोलीय विपथन दोष होते हैं, इसलिए न्यूटन ने दर्पण से दूरदर्शी बनाया जिसमें वर्ण विपथन नहीं होता है
तीसरा पॉइंट, गोलीय विपथन को हटाने के लिए गोली विपथन को हटाने के लिए परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख चुके। अगला हेडिंग डालना प्रतिबिंब के दोष। इसमें लिखना, जब लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, तो यदि उसके एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, तो उसे विपथन कहते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखना, विपथन दो प्रकार का होता है। नंबर पहला वर्ण विपथन, इसके बारे में लिखना, ये दोष लेंस के सामने रखी वस्तु के कारण होता है। यह दोष लेंस के सामने रखी वस्तु के कारण होता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, इसका लिखना नंबर ए, अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन।
इसके बारे में लिखना, जब लेंस के सामने श्वेत प्रकाश से प्रकाशित वस्तु को रखा जाता है तो उसके सात विभिन्न रंगों के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, तो इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखना, अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन, तो यह क्या बोलता है कि अगर लेंस के सामने किसी वस्तु को रखे और उसको श्वेत प्रकाश दे, तो यहाँ पर लेंस के सामने एक वस्तु रख दी जा रही है और यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और यह प्रकाश की किरण कैसी है, श्वेत, यानी कि सफेद प्रकाश की किरण जब लेंस से गुजरेगी तो इसके सात प्रतिबिंब बनेंगे और सातों का कलर कैसा होगा, अलग अलग। मतलब अगर श्वेत प्रकाश जा रही है तो प्रतिबिंब भी कैसा बनना चाहिए, श्वेत, लेकिन बनता नहीं है, बल्कि श्वेत प्रकाश में जो सात कलर होता है वो सातों रंग का प्रतिबिंब बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वायलेट, ये बीच वाला एफ येलो और ये एफ रेड। तो इस तरह से इनके बीच में वायलेट से लेकर रेड तक सभी कलर के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अगर हमसे इसमें पूछ दे एक बटे एफ बराबर म्यू माइनस वन, एक बटे आर वन माइनस एक बटे आर टू, ये क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला। तो यहाँ से देखोगे तुम लोग तो हमारा वन बाई एफ समानुपाती किसके है, म्यू के, और म्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, लेमडा के, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेमडा के, यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उस रंग के प्रतिबिंब का विपथन भी सबसे ज्यादा होगा, यानी कि रेड रंग के प्रतिबिंब का विपथन सबसे ज्यादा और वायलेट का सबसे कम। तो अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन बराबर एफ रेड माइनस एफ वायलेट। उसी तरह जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व वर्ण विपथन। तो जो पार्श्व वर्ण विपथन होता है ये क्या बोलता है कि जब किसी लेंस के सामने एक वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर एक वस्तु रख दे रहे हैं और यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, तो ये बोलता है कि जब लेंस के सामने एक वस्तु को रखते हैं तो इसकी अलग अलग लंबाई के सात प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि किरण कैसी है, अभी भी श्वेत ही है। जब प्रकाश की किरण श्वेत या सफेद है तो प्रतिबिंब तो बनेगा सात कलर का, लेकिन सभी की लंबाई अलग अलग होगी, मतलब कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई मीडियम साइज का होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बताएंगे कि अगर लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं
और उससे श्वेत प्रकाश गुजारते हैं या श्वेत प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, तो अलग अलग लंबाई के 7 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, पार्श्व वर्णविप्थन। और इसको क्या बताएंगे कि जब किसी लेंस के सामने वस्तु को श्वेत प्रकाश से प्रकाशित करते हैं तो 7 रंग के अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य वर्णविप्थन। तो इसके सामने अलग अलग हमारे क्या बनेंगे, लंबाई के प्रतिबिंब, यानी कि सभी की लंबाई क्या होगी, अलग अलग। तो m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और देखोगे तो m बराबर होता है f बटे f प्लस u। तो इन दोनों की अगर तुलना करोगे तो हमें प्रतिबिंब की लंबाई i बराबर क्या मिल जाएगी, f इंटू ओ बटे f इंटू u। तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। पार्श्व वर्णविप्थन की परिभाषा लिखना, जब लेंस के सामने, जब लेंस के सामने श्वेत प्रकाश से प्रकाशित, जब लेंस के सामने श्वेत प्रकाश से प्रकाशित वस्तु को रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है तो सात विभिन्न रंगों के प्रतिबिंब, सात विभिन्न रंगों के प्रतिबिंब अलग अलग लंबाई के प्राप्त होते हैं, अलग अलग लंबाई के प्राप्त होते हैं। अवरणक संयोग, अवरणक संयोग, अवरणक संयोग, इसके बारे में लिखना, अनुदैर्ध्य वर्णविप्थन, अनुदैर्ध्य वर्णविप्थन व पार्श्व वर्णविप्थन, अनुदैर्ध्य वर्णविप्थन व पार्श्व वर्णविप्थन के दोषों को हटाने के लिए, के दोषों को हटाने के लिए एक अवतल और एक उत्तल, एक अवतल और एक उत्तल लेंस का युग्म इस प्रकार लिया जाता है कि,
लेंस का युग्म, लेंस का युग्म इस प्रकार लिया जाता है कि वह विक्षेपण रहित विचलन पर कार्य करे, वह विक्षेपण रहित विचलन पर कार्य करके, वह विक्षेपण रहित विचलन पर कार्य करके एक वस्तु का उत्तल, ये तुम्हें लगेगा कि लेंस कैसा है, अवतल, लेकिन इसका ये वाला पार्ट कैसा है, अवतल, और ये कैसा है, उत्तल। तो जब यहां से एक वस्तु को रखेंगे, ये वस्तु, तो यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी और कैसी जाएगी, श्वेत किरण। तो जब यहां से प्रकाश की किरणें या श्वेत किरण जाती है तो क्या होता है कि पहले अवतल सतह पड़ी तो ये क्या करेगी, प्रकाश की किरण को फैला देगी, फिर उत्तल सतह पड़ेगी तो ये क्या करेगी, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देगी और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना देगी, या एक यहाँ से भी ले सकते हो, ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे है वस्तु, यहाँ से प्रकाश की किरण चली, इधर भी चलेगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगा। अब देखोगे तो ये सतह कैसी थी, अवतल, और ये सतह कैसी है, उत्तल। तो इन दोनों लेंसों को एक में ही जोड़ करके बना दिया गया। तो मान लेते हैं कि अवतल लेंस का वलयाकारता कितना है, W1, और उत्तल का W2, बराबर क्या लिख देंगे, F1/F2, लेकिन F1 माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि लेंस कैसा है, अवतल। तो जब इस वैल्यू को इस पर ले आएंगे तो W1/W2+F1/F2 बराबर 0। इसको ऐसा कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, यहीं से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यानी W1F2-W2F1। तो अगर हमसे पूछे कि पावर किस लेंस की ज़्यादा होती है, तो पावर उत्तल लेंस की ज़्यादा होती है अवतल लेंस से, और फोकस जो होता है वो अवतल का ज़्यादा होता है, फोकस अवतल लेंस का ज़्यादा होता है उत्तल से, क्योंकि फोकस और पावर एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इसको छाप लो, सेकेंड नंबर डालना गोलीय विपथन, ये विपथन का दूसरा पार्ट है, पहला क्या था, वर्ल्ड विपथन, और वर्ल्ड विपथन के दो प्रकार थे, अनुदैर्ध्य और पार्श्व। सेकेंड नंबर डालना गोलीय विपथन, गोलीय विपथन लिखना, ये दोष, ये दोष लेंस के गोली बनावट के कारण होता है, ये दोष लेंस के गोलीय बनावट के कारण होता है,
ये दोष लेंस के गोलीय बनावट के कारण होता है, जिसमें उपाक्षीय एवं सीमांत किरणें, जिसमें उपाक्षीय एवं सीमांत किरणें अलग 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 बिंदुओं पर फोकसित होती है, अलग अलग बिंदुओं पर फोकसित होती है। इसे कम करने के लिए इसे कम करने के लिए समतल उत्तल लेंस इसे कम करने के लिए समतल उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। समतल उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए जिसमें वस्तु समतल सतह की ओर हो, जिसमें वस्तु समतल सतह की ओर हो। देख चुके, इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा होता है गोलीय विपथन। तो गोलीय विपथन में ये एक लेंस और ये प्रकाश की किरणें, तो ये प्रकाश की किरणें यहां पर फोकसित हो जाएंगी। ये जो किनारे की किरणें होती हैं इनको बोलते हैं सीमांत किरण, और ये जो बीच वाली होती हैं इनको बोलते हैं उपाक्षी किरण। तो उपाक्षी किरण दूर पर फोकस होती है और सीमांत किरण पहले फोकस होती है। तो प्रतिबिंब इसका वास्तविक होता है, बड़ा होता है और उल्टा होता है, लेकिन तुम लोगों को सीधा दिखाई देता है। अभी देखे हो प्रोजेक्टर में जो भी चीज़ दिखाया जाता है वो सीधा दिखाई देता है तुम्हें, क्योंकि वो उसको सीधा किया जाता है कंप्यूटर से। बाकी वो जो बनाता है वो क्या बनाता है, वास्तविक बनाता है, बड़ा बनाता है और उल्टा बनाता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, बड़ा और उल्टा। तो यहाँ पर जो हमारी वस्तु होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, देखो ऐसे, यानी कि भुजाकार बोल सकते हैं या वर्गाकार। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई ए और इसकी लंबाई बी है। तो यहाँ पर हमसे वस्तु का क्षेत्रफल, ए मतलब क्षेत्रफल किसका, वस्तु का, क्या हो जाएगा, ए गुणे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, या बोले भुजा गुणे भुजा, तो ए इंटू बी हो जाएगा। तो
वस्तु का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए गुणे बी। और यहाँ पर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल अगर हम लोग ज्ञात करें, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एम ए गुणे एम पी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वस्तु को आवर्धित करके दे रहा है, यानी कि जो छोटी वस्तु है उसका बड़ा प्रतिबिंब बना के दे रहा है। तो यम को क्या कर दो एक तरफ, क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर ए इंटू बी, और ये वैल्यू देखोगे तो ये यही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बराबर यम स्क्वायर इंटू वस्तु का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा फार्मूला। तो ये हो गया प्रोजेक्टर। लेंस कैमरा, तो लेंस कैमरा में भी लेंस कैसा लगा होता है, उत्तल लेंस। और इसके सामने रख दो वस्तु, और वस्तु होती कहाँ है, 2f और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु को 2f और अनंत के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इस तरह से बन जाता है। इसका जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। तो कैमरा में तुम लोग कभी फोटो खींचे होगे तो देखोगे 5 फ्लोर की बिल्डिंग तुम्हारे 5 इंच के मोबाइल में आ जाती है, यानी कि उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, उसको तुम लोग रोटेट कर करके सीधा कर देते हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा होता है। तो कहानी प्रोजेक्टर की और इसकी दोनों की सेम है, बस फर्क क्या है कि इसका प्रतिबिंब बड़ा होता है और इसका प्रतिबिंब छोटा होता है। बाकी लेंस दोनों में क्या रहेगा, सेम, दोनों का लेंस कैसा रहेगा, उत्तल लेंस। तो इसका प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा और उसका प्रतिबिंब बड़ा रहेगा। तो इसी में एक आता है तुम लोगों का यफ संख्या। जो f संख्या होती है उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। f संख्या बराबर f बटे d। f क्या है, फोकस दूरी या लेंस की फोकस दूरी, और d क्या है, द्वारक का व्यास। एक होता है उद्भासन काल, तो जो उद्भासन काल होता है ये समानुपाती होता है किसके, 1/ यफ संख्या के। एक बटे मत करना, डायरेक्ट कर देना, एफ संख्या। अरे ये इसका द्वारक और इसका क्या हो जाएगा, व्यास। तो जो एफ संख्या होती है ये समानुपाती होती है किसके, एफ स्क्वायर उद्भासन काल के। और
उद्भासन काल, उद्भासन काल ये होता है 1/12 का व्यास। विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता विभेदन क्षमता लिखना। दो पास पास रखी वस्तुओं को, दो पास पास रखी वस्तुओं को दो पास पास रखी वस्तुओं को किसी उपकरण से, किसी उपकरण से पृथक्कृत रूप से देखना, किसी उपकरण से पृथक्कृत रूप से देखना कौमा उपकरण की विभेदन क्षमता कहलाता है। विभेदन क्षमता कहलाता है। अब विभेदन क्षमता को भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखना विभेदन क्षमता, मान लो कि ये दो वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं को देखा जा रहा है किससे, यहाँ पर एक उपकरण लगा है। ये उपकरण कुछ भी हो सकता है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी कोई भी हो सकता है। तो ये दो वस्तु हैं, जैसे देखोगे तुम लोग आसमान में तुम्हें लगता है कि चंद्रमा और जो तारे हैं बहुत पास पास हैं, लेकिन जब तुम लोग उसको उपकरण यानी दूरदर्शी से देखोगे तो वो तुम्हें दूर दूर दिखाई देंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, विभेदन क्षमता। यानी कि पास पास दो रखी वस्तुओं को दूर दूर या अलग अलग सेपरेटली देखना उसको क्या बोलते हैं, विभेदन क्षमता। और यहाँ पर जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं विभेदन सीमा, विभेदन सीमा। तो जो विभेदन क्षमता होती है या विभेदन सीमा होती है, विभेदन सीमा ये व्युत्क्रमानुपाती होती है विभेदन क्षमता के। तो विभेदन सीमा क्या होता है, वह उपकरण पर बना कोण, उपकरण पर बना कोण। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर फर्स्ट, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता ये तुम्हें याद करना है 2μsinθ/1.22λ। लेमडा क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। और दूरदर्शी का देख लेते हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, यहाँ पर विभेदन क्षमता बराबर d/1.22λ।
जहां डी द्वारक है। अच्छा द्वारक ये भी लिख लेना कि किसका द्वारक है, क्योंकि दूरदर्शी में जो है लेंस दो होते हैं, तो ये किसका द्वारक है, अभिदृश्यक लेंस का, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक है। और इस किसी अवरणक अभिसारी युग्म की फोकस दूरी 90 सेंटीमीटर है। किसी अवरणक अभिसारी युग्म की फोकस दूरी 90 सेंटीमीटर है। किसी अवरणक अभिसारी युग्म की फोकस दूरी 90 सेंटीमीटर है यदि उसमें उपस्थित एक लेंस, यदि उसमें उपस्थित एक लेंस यदि उसमें उपस्थित एक लेंस की विक्षेपण क्षमता एक लेंस की विक्षेपण क्षमता दूसरे का 1.5 गुना है, दूसरे का 1.5 गुना है, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात, देखना क्या बोला है कि युग्म की जो फोकस दूरी है, युग्म का फोकस वो एफ इक्विवेलेंट का मान दिया है कितना, 90 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है कि जो इनकी अवरक्ता है, पहले की अवरक्ता दूसरे का कितना है, 1.5 गुना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा उसने बोला था। तो अब हम लोग अपना फार्मूला लगाते हैं, क्या W1/W2 बराबर -F1/F2। तो देखोगे इसको अगर इधर ले आए तो W1/W2 कितना आ जाएगा, 1.5। तो 1.5 बराबर -F1/F2, तो इसको इधर कर दें तो F1 बराबर क्या आ जाएगा, -1.5F2, समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास F1 का मान आ गया है, तो हमारे पास तुल्य फोकस का फार्मूला क्या होता है, 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F इक्विवेलेंट बराबर F1 का मान कितना है, 1/-1.5F2 प्लस F2 का मान क्या हो जाएगा, 1/F2। तो यहाँ से देखोगे दोनों ही क्या है, F2 है, तो इनका क्या करें, एलसीएम ले लें, कितना, 1.5F2 का स्क्वायर, या 1.5F2 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखोगे माइनस से माइनस कटेगा, इससे ये कटेगा, बचेगा कितना, ओनली F2 प्लस। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना, -1.5F2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, F2 -1.5F2 बटे -1.5F2 का स्क्वायर। ये F2 है और ये 1.5F2 है, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, -0.5F2,
माइनस 0.5 एफ टू, और ये कितना बचेगा 1. माइनस में 1.5 एफ टू का स्क्वायर। तो देखोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, एक एफ टू से एक इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसके दशमलव से इसका दशमलव, 5 तिहाई 15, यानी ओवरऑल आएगा क्या 1/f = 1/3। इक्विवेलेंट का मान हमें पता है कितना 90, 1/90 = 1/3। तो इसको इससे एफ टू का मान कितना आया, एफ 1/90 = 1/3 f2, तो 3 से ये कट जाएगा, कितना बचा 30। तो f2 का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। समीकरण एक में रख दो मान, तो वहाँ से f1 भी मिल जाएगा, तो f1 = -1.5 × f2 = 30, 15 तिया 45, -45 सेंटीमीटर, ये आ गया F1। हमसे पूछा था दोनों लेंसों का फोकस, तो हमें पता है कि एक प्लस होगा एक माइनस। उपस्थित किसी अवरणक अभिसारी युग्म में उपस्थित दो लेंसों के विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात, दो लेंसों के विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात दो लेंसों के विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात 4:3 है, यदि युग्म की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, यदि युग्म की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हें बोला है कि युग्म की फोकस दूरी दी हुई है, तो देखना युग्म की फोकस दूरी तुम्हें कितना दिया है, एफ इक्विवेलेंट 60 सेंटीमीटर। बोलता है इनकी विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात W1/W2 कितना है 4:3 या 4/3, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो वो तुम्हें ये चीज दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है F1 और F2 का मान। तो देखना W1/W2 = -F1/F2, W1/W2 का मान 4/3, F1/F2, यहाँ से F1 = क्या हो जाएगा -4/3 F2, समीकरण नंबर। अब इसको क्या करते हैं, तुल्य फोकस वाले फार्मूले में रख देते हैं, क्या जाएगा 1/F1 + 1/F2, तो यहाँ से 1/F इक्विवेलेंट क्या जाएगा, F1 का मान कितना है 1/-4/3 F2 + 1/F2, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आएगा कितना -3/4 F2 +
एक बट्टे एफ टू। तो इसका क्या करें, एलसीएम ले लें, फोर एफ टू, तो फोर एफ टू से फोर एफ टू कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस तीन, प्लस एफ टू से एफ टू कटेगा, बचेगा कितना फोर। तो यहाँ से आ कितना जाएगा, माइनस तीन प्लस चार, कितना बचेगा माइनस प्लस एक, यानी कि एक बट्टे फोर एफ टू बराबर एक बट्टे एफ इक्विवेलेंट का मान कितना है साठ, तो पंद्रह चौको साठ, तो एफ टू का मान यहाँ से कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में रख दें, तो एफ वन बराबर 4/3 माइनस में इंटू कितना है एफ टू का मान 15, तो 3 × 15 = 20, तो एफ वन कितना जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो आंसर 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। 80 दूरदर्शी में आकाशीय दूरदर्शी में सामान्य संयोजन के लिए, आकाशीय दूरदर्शी में सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता 9 तथा नलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, नलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक आकाशीय दूरदर्शी है जिसका आवर्धन क्षमता तुम्हें दिया हुआ है m बराबर 9, और आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस एफ नॉट बटे एफ ई। तो माइनस चिन्ह केवल ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक, तो यहाँ से 9 बराबर क्या लिख देंगे एफ नॉट बटे एफ ई, तो एफ नॉट बराबर क्या हो जाएगा 9 एफ ई। समीकरण नंबर, फिर उसके बाद वो क्या बोला है कि सामान्य संयोजन की स्थिति में जो नलिका है, नलिका की लंबाई L वो क्या होती है एफ नॉट प्लस एफ ई, और ये तुम्हें दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखोगे तो एफ नॉट का मान हमें पता है, या बोल सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से एफ नॉट का मान कितना हो जाएगा 9 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 एफ ई बराबर 20, इसको इससे उड़ा दो आएगा कितना आएगा 2, एफ ई बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। समीकरण एक में मान रख दो या किसी में भी रख दो, तो समीकरण एक से एफ नॉट बराबर 9 इंटू एफ ई का मान बराबर 18 सेंटीमीटर, तो अभिदृश्य का मान होगा 18 सेंटीमीटर और आई का मान होगा, यदि अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता
पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि एक दूरदर्शी है और इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम होती है, माइनस एफ नॉट बटे एफ ई। तो बोलता है कि अगर अभिदृश्यक का फोकस दूरी बढ़ा दे, ये बोला है ना, तो अगर फोकस दूरी बढ़ाओगे तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा, क्योंकि एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ नॉट के। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि आवर्धन क्षमता दूरदर्शी का बढ़ेगा, आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। अब चलते हैं किसके पास, सूक्ष्मदर्शी के पास। सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होती है माइनस वी नॉट बटे यू नॉट इंटू डी बटे एफ ई। लेकिन हमें पता है कि वी नॉट बटे यू नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ नॉट बटे एफ नॉट प्लस यू नॉट इंटू डी बटे एफ ई बराबर एम। और यहाँ पर देखोगे तो अगर अभिदृश्यक की फोकस को बढ़ाया जाए, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, और जब बटे की नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घट जाएगी, और अगर ये घटेगी तो एम भी घट जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं कि आवर्धन क्षमता घटेगा। तो दूरदर्शी की क्षमता बढ़ती है और सूक्ष्मदर्शी की घटती है। लेकिन आकाशीय दूरदर्शी में क्वेश्चन, आकाशीय दूरदर्शी में सामान्य संयोजन की स्थिति में, आकाशीय दूरदर्शी में सामान्य संयोजन की स्थिति में अभिदृश्यक लेंस के अंदर, अभिदृश्यक लेंस के अंदर यल, कैपिटल यल, यल आकृति की वस्तु रखी है। अभिदृश्यक लेंस के अंदर कैपिटल यल आकृति की वस्तु रखी है। नेत्र लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब बनता है, नेत्र लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब बनता है। जिसकी लंबाई आई है, कैपिटल आई, जिसकी लंबाई कैपिटल आई है, तो दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता, तो दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता ज्ञात करो।